नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 19 जुलाई सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। 228 सेठी नगर में रहने वाले कैलाश चंद्र वैद्य के उज्जैन विकास प्राधिकरण के शिप्रा विहार योजना के प्लॉट के क्षेत्रफल में कमी हो गई है। जितना बड़ा प्लॉट उन्हें दिया गया था नप्ती में उसका क्षेत्रफल कम निकला है। वैद्य के आवेदन पर प्राधिकरण प्रशासन ने दोबारा नप्ती की, लेकिन इसमें क्या निकला इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है। अब उन्होंने प्राधिकरण के संपदा अधिकारी को जानकारी देने के लिए पत्र लिखा है। दरअसल कैलाश चंद्र वैद्य और उनकी पत्नी ने छिपरा विहार में 2006 में MIG प्लॉट क्रमांक A 7/20 खरीदा था। रजिस्ट्री में प्लॉट का क्षेत्रफल 211.5 स्क्वायर मीटर यानी 2280 स्क्वायर फीट था, लेकिन जब वैद्य ने भूखंड की नप्ती कराई तो ये 152 स्क्वायर मीटर यानी करीब 2000 स्क्वायर फीट निकला। ऐसे में उन्होंने संपदा अधिकारी से प्लॉट की नप्ती कराने का आग्रह किया। उनके अनुरोध पर प्राधिकरण कर्मियों ने 5 जुलाई को नप्ती की, लेकिन इसकी जानकारी वैद्य को नहीं दी। वैद्य ने अब संपदा अधिकारी को चिट्ठी लिखकर नप्ती की जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर मांगी है। नप्ती में भूखंड का कितना क्षेत्रफल मिला, रजिस्ट्री अनुसार जो क्षेत्रफल था वो नप्ती एवं सीमांकन में मिला या नहीं, ये जानकारी लिखित में दी जाए। इधर विकास प्राधिकरण के सूत्रों ने बताया कि नप्ती में जमीन का क्षेत्रफल वास्तव में कम निकला है। इसे लेकर प्राधिकरण प्रशासन भी हैरान परेशान है। वो भूखंड धारकों को कम निकली जमीन की कीमत चुकाने का प्रस्ताव देने जा रहा है। अब इसमें दिक्कत ये है कि मौजूदा समय के हिसाब से शिप्रा विहार में जमीन के दाम आसमान पर है, लेकिन प्राधिकरण की दरें बेहद कम है। इस हिसाब से भूखंड धारक को खासा नुकसान होने की आशंका है। उधर गया अपने प्लाट की तरफ तो मेरे को मालूम पड़ा कि सेकंड प्लाट बन रहा है। मुझे कुछ शंका हुई कि मैंने कहा एक बार अपने प्लाट की नप्ती कर ली जाए, तो मैंने जो नप्ती किया है तो मेरे प्लाट में लगभग 2.5 मीटर जो है वो स्पेस कम आ रही है, जगह कम आ रही है। मतलब लगभग 8.25 फीट जो है जमीन मेरी सामने वाले की उसमें जा रही है। इन्होंने भी नप्ती कर ली, प्राधिकरण ने ये भी स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई ये गलती प्राधिकरण की तरफ से हुई है और अब आपकी जमीन वहाँ है ही नहीं, इतनी जो है उतनी ही है, बाकी की जमीन जो है बाकी के प्लाटों की है, इस प्रकार बता रहे हैं। नए बिजली कानून के विरोध में यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर संघ के बैनर तले बिजली कर्मचारियों और इंजीनियर्स से 2 घंटे तक काम बंद रखकर सोमवार को प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर मॉनसून सत्र में बिल लाया गया तो 10 अगस्त को देशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार नया बिजली कानून ला रही है। इसके मुताबिक बिजली उत्पादन को लाइसेंस मुक्त किया जा रहा है। नए बिल के मुताबिक कोई भी कितनी भी बिजली का उत्पादन कर उसे बेच सकता है। यूनाइटेड फोरम का कहना है कि नया बिजली बिल उपभोक्ताओं के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि बिजली क्षेत्र का पूरी तरह से निजीकरण हो जाने से उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी। निजी बिजली कंपनियां सरकारी कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेंगी, कंपनियां उपभोक्ताओं से ज्यादा राशि ही वसूल करेंगी। निजी कंपनियों का वर्चस्व होने से सरकारी कंपनियों के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। करीब 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों अधिकारियों की नौकरी पर खतरा आ जाएगा। इसका विरोध करने के लिए ही प्रदर्शन किया गया है। फोरम के संयोजक SN शर्मा ने बताया कि अगर संसद मानसून सत्र में ये बिल लाया जाता है तो 10 अगस्त से पूरे देश में एक साथ प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा मुख्य मांग तो हमारी जो विद्युत सुधार नियम 2021 जो कि अभी मानसून सत्र में केंद्र सरकार रखने वाली है उसका हम विरोध कर रहे हैं। जो है जनता को तो पहली चीज़ है कि महंगी बिजली होगी, जो कि बिजली जो है किसी हालत में उनको सस्ती नहीं मिलना है, महंगी मिलना है। और जो दूसरे हमारे कर्मचारी हैं उनकी पेंशन की है, सैलरीज का है, वो हमको समस्या के लिए नहीं। हमने अभी ये 4 से 6 का धरना था हमारा, इसके बाद में हमारा 10 तारीख को एक दिवसीय बहिष्कार है, और यदि मान लो वो 10 के पहले आया था बिल तो हम उसी दिन से निश्चित काल पे चले जाएंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर खरीफ फसल की बुवाई करने वाले किसान अब परेशान हो रहे हैं। उनकी उम्मीद के मुताबिक पानी नहीं गिरा और बोया बीज खराब हो गया। मौसम विभाग और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का विरोध जताने के लिए भारतीय किसान संघ के बैनर तले एकत्रित हुए और स्विमिंग पूल परिसर से लेकर कोठी पैलेस तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान अन्य मांगे भी रखी गई। जिलाध्यक्ष दशरथ पंड्या के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में समूह के साथ पहुंचे किसानों ने ADM और प्रभारी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि किसानों ने मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के आधार पर बोवनी कर दी, लेकिन अब बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से बोया बीज खराब हो गया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि मौसम विभाग धोखा देने का काम कर रहा है। नाराज किसानों ने मौसम विभाग और सोयाबीन अनुसंधान विभाग का पुतला फूंका।
इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। उज्जैन द्वारा ये जो लगातार मौसम विभाग द्वारा किसानों को और पूरे देश को गलत अनुमान दिए जा रहे हैं कि इस सप्ताह में इतनी बारिश होगी, इसके अनुमान को लेकर किसानों ने बोनी की और कहीं कुछ जगह तो बारिश हुई नहीं और जो बोनी की वो आज बारिश के अभाव में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अनुसंधान केंद्र और जितने भी विभाग हैं इनके, ये किसानों के नाम पर सरकार का पैसा लूट रहे हैं। या तो ऐसे विभाग को बंद कर देना चाहिए और सरकार कोई निजी एजेंसियों से अनुसंधान कराए और किसानों को उन्नत किस्म का बीज दे ताकि ये जो वायरस लगना और लगातार सोयाबीन हर साल नष्ट हो रही है ये रुक जाए और किसानों की बर्बादी रुके। इस असंतोष को दूर करने के लिए आज महाकाल की नगरी से हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि हमारी जो वेतन वृद्धि रुकी हुई है उसे तत्काल प्रारंभ किया जाए। केंद्र के समान जो 16% महंगाई भत्ता हमको कम मिल रहा है उसे लागू किया जाए। कर्मचारियों की जो 37 सूत्री मांगे हैं अलग अलग विभागों की, निचले संविदा कर्मचारी हो, स्थायी कर्मचारी हो, जो भी अन्य विभागों के, जो हमारे शिक्षा विभाग हो चाहे कोई सा विभाग हो, हमने 37 सूत्री मांगे दिए, उन विभागों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए। जो आयात नीति है इनकी वो बहुत गलत है किसानों के लिए। जब किसानों की फसल पककर आती है उस टाइम ये आयात कर लेते हैं, किसानों को रेट नहीं मिलता है और किसानों को फसल नहीं होने के, दाम नहीं मिलने के कारण काफ़ी नुकसान ये नफ्ती के नाम पर लेते हैं। राजस्व विभाग में कुछ भी नामंत्रण करने के इस पे, नामंत्रण के इसमें में तो तहसीलदार साहब की काफ़ी शिकायत है। इंगोरिया थाना प्रभारी अशोक शर्मा को हटाने की मांग लेकर सोमवार को युवा हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता एसपी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने एएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा को ज्ञापन दिया और थाना प्रभारी की जीभ भरकर शिकायत की। जाते जाते वो धमकी दे गए कि 2 दिन में यदि थाना प्रभारी को नहीं हटाया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। दरअसल युवा हिंदू वाहिनी के ये कार्यकर्ता कामधेनु सेना राष्ट्रीय गौरक्षा समिति के जिला प्रभारी ईश्वर गोस्वामी के नेतृत्व में प्रदर्शन करने आए थे। गोस्वामी का कहना था कि थाना प्रभारी अशोक शर्मा आरएसएस से द्वेषता रखते हैं और वो कार्यकर्ताओं के साथ बदसुलूकी करते हैं। गोस्वामी ने उनके साथ हुई घटनाक्रम का जिक्र किया जिसमें उन्होंने लकड़ी माफिया पर कार्रवाई के लिए थाने पर फोन किया तो उन्हें ही पुलिसकर्मी थाने पर उठा ले आए। यहां उन्होंने लकड़ी माफिया पर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए तो थाना प्रभारी ने गोस्वामी से बंद करने और कोर्ट के चक्कर लगवाने की बात कही। एसपी के नाम ज्ञापन में गोस्वामी ने थाना प्रभारी को तत्काल लाइन अटैच करने की मांग की है, साथ ही थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच करने की भी मांग की है। हमारे थाना क्षेत्र इंदौरा थाने का मामला है, वहाँ की जो थाना प्रभारी अशोक जी शर्मा है वो हमारे साथ ही नहीं बल्कि ग्रामीण के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी मेरे साथ ही, ग्रामीणों में गांव के 2 व्यक्तियों द्वारा वृक्ष काट रहे थे, उनको मैं मना करने के लिए गया, मना करने के बाद उन लोगों द्वारा मेरे ऊपर चाकू से हमला किया जिसका मैंने घटना 100 डायल पे कॉल किया, जिसके बाद पुलिस वहां आती है, पुलिस मुझे 100 से लेके जाती है, जिसके बाद हमलावर भी वहां से पीछे पुलिस द्वारा उनके बुलाने पर वहां आ जाते हैं। मेरे द्वारा FIR लिखाने के लिए वहां कोई मेरी हेल्प नहीं होती है, हमलावर मेरे पहले वहां के मेरे खिलाफ, मैं तो फरियादी था, वो मेरे खिलाफ FIR करते हैं। ये इंगोरिया थाने के कुछ लोग ज्ञापन देने आए थे, उनका कहना है कि थाना प्रभारी द्वारा जो है उनके साथ अभद्रता की और जो है उन्होंने इस संबंध में ज्ञापन दिया है, इसमें हम जाँच कर रहे हैं, जाँच में अगर हम करके पाए जाते हैं तो जो भी संबंधित होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शिकारी गली में रविवार दोपहर चाकूबाजी की घटना हुई है। गली में रहने वाले अरबाज उर्फ अड्डू, सद्दाम उर्फ ब्रूसली और अमाम उर्फ बकरी ने मोहल्ले में ही रहने वाले इमरान खान और उनके पिता मोहम्मद रफीक को चाकू मारकर घायल कर दिया। दरअसल पेशे से BEMS इमरान खान ने शिकारी गली में एक प्लॉट खरीदकर मकान बना लिया था। इस प्लॉट पर पहले आरोपियों का कब्जा था। पेशे से आदतन अपराधी ब्रूसली, बकरी और अड्डू अपने पड़ोसी से झगड़ रहे थे। इनका झगड़ा देखने के लिए इमरान और उसके पिता रुक गए थे। यही बात आरोपियों को नागवार गुजरी और उन्होंने पिता पुत्र पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। इमरान को चाकू के 3 और पिता को 1 वार लगा है, दोनों की हालत स्थिर है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। कल इनकी कुछ लड़ाई चल रही होगी आपसी में और मेरे पापा और हम हमारे घर पे खाना खाने के लिए जा रहे थे, मोहल्ले में सब लोग देख रहे थे कि झगड़ा हो रहा है तो हम भी देखने के लिए खड़े हो गए। हम खड़े हो गए तो ये मेरे पापा को गाली बकने लग गए कि आज तो मतलब तुम्हारी भी माँ बहन कर देंगे ऐसा वैसा, तो हमने मना करा।
कि भैया हमको क्यों गाली बक रहे हो, तो इतने में इन्होंने चाकू, मतलब इनकी नियत ही थी मारने की, जान से मारने की, उन्होंने तीनों ने चाकू इनके हाथ में ही थे, इन्होंने चाकू हाथ में से मतलब निकाले, खोले चाकू और हमें मारना चालू कर दिया। नागजरी के गणेश नगर में स्थित पुरानी बावड़ी की धस्ती दीवार किसी भी दिन हादसे का बड़ा कारण बन सकती है। बावड़ी के आसपास बच्चे खेलते हैं और दीवार उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। दरअसल करीब 50 साल पुरानी बावड़ी से पहले जल प्रदाय होता था, तब इसकी हालत ठीक थी। समय बदला और पाइपलाइन से सप्लाई शुरू हो गई और बावड़ी लोगों के लिए कूड़ेदान बन गई। कॉलोनी का कचरा इसमें फेंका जाने लगा। फिर नगर निगम को बावड़ी की सुध आई तो उसने बावड़ी की बाउंड्री वॉल बनाकर घेराबंदी कर दी। समय बदला और अब बाउंड्री वॉल की दीवारें पुरानी पड़कर जर्जर होने लगी। दीवारों के धंसने के डर से रहवासियों ने नगर निगम को इत्तला दी तो उसने बावड़ी के चारों ओर लोहे की जालियां लगाकर इतिश्रि कर ली। क्षेत्रीय रहवासी फिरोज खान ने बताया कि बावड़ी के पास बगीचा है और बच्चे यहाँ खेलते हैं। उनके मुताबिक दीवारों की मरम्मत कराकर बावड़ी को बचाया जा सकता है। अगर बावड़ी ठीक हो जाएगी तो क्षेत्र का वाटर लेवल भी बना रहेगा। अभी हाल ये है कि बावड़ी में लोग कचरा डाल देते हैं। परेशानी यही है हमारी, हम लोग चाहते हैं कि या तो ये रिपेयरिंग हो जाए, बावड़ी रिपेयरिंग हो जाए, क्योंकि बच्चे यहाँ बगीचा है तो बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, और इसमें गिरने का दुर्घटना होने की संभावना रहती है, बनी रहती है। लेकिन उस वजह से हम कुछ न कुछ करा करते हैं। इसमें हमने बैरिकेड भी लगाए हैं, उस पर पाइप ये लगा लोगों के, उसको पैक करा है, और ये PHE जो है ये जाली लगा के गई है, उसके बाद में अभी तक आने के वो नहीं। ये रोड की तरफ से धस रही है, रोड का भी धसने का संदेशा है, पूरा रोड भी धस सकता है, बड़ा कोई बाहर निकलता है तो। ये करीबन 3 साल से हम मांग कर रहे हैं इसकी, 2018 से मांग कर रहे हैं इसकी। माँ चामुंडा माता मंदिर का नवीनीकरण के बाद लोकार्पण किया गया है। डिजिटल माध्यम से भी मंदिर के दर्शन किए जा सकेंगे। खास बात यह है कि मंदिर में सारे शक्तिपीठों की माताओं के दर्शन उपलब्ध होंगे और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी परिक्रमा पथ पर होंगे। चामुंडा माता परिवार की उपस्थिति में नवीनीकरण काम का लोकार्पण किया गया। आज माँ चामुंडा माता मंदिर का पुराना जीर्णोद्वार होते हुए भव्य रूप में आज इसको श्रृंगारित किया गया है, जिसको कि आज श्रृंगारित कर जनता के दर्शनार्थ हेतु लोकार्पण किया गया। संध्याकालीन समय आज वक्त समिति के सदस्य एवं संयोजक पंडित शरद जी चौबे के नेतृत्व में आज इसकी पूजन कर माँ चामुंडा का श्रृंगार कर जनता के लिए इसको दर्शनार्थ खोला गया है। कोरोना काल को देखते हुए भी इसका उद्घाटन नहीं किया गया था, जो कि आज के राज्य में भव्य श्रृंगार है, गर्भगृह है, परिक्रमा है एवं सभा मंडप है, जिसके अंतर्गत जनता को एक ही जगह सभी तीर्थों का दर्शन हो, जिसमें 51 शक्तिपीठ है, सप्त तीर्थ है, चारों धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है एवं उज्जैन के समस्त देवी देवता। होमगार्ड टीम ने सोमवार को चंबल के मेहतवास स्थित हनुमान घाट पर रेस्क्यू का डेमो दिया। इसमें बताया गया कि कैसे कम समय में बाढ़ जैसे हालात में लोगों की जान और माल को सुरक्षित किया जा सकता है। डेमो के दौरान SDM आशुतोष गोस्वामी, CSP मनोज रत्नागर, होमगार्ड कमांडेंट संतोष कुमार जाट उपस्थित थे। हाँ, ये देखिए, आज होमगार्ड डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे मेहतवास में हनुमान घाट पे उनकी टीम पूरी, प्लस डिविजनल कमांडेंट मैडम महोदय और यार्ड साहब, कमांडेंट साहब और उनका पूरा दल, बल सहित कार्टून कमांडर वगैरह सभी इक्विपमेंट और बोर्ड के साथ में वहाँ पे मॉक ड्रिल के लिए आए थे। पान बिहार टप्पा तहसील में आने वाले गांव बिहारिया में बिजली के जर्जर और खराब पोल बदलने का काम 2 दिन में शुरू होगा। 3 दिन पहले अभी न्यूज ने जर्जर बिजली के खंभों से हो रही समस्या की खबर प्रसारित की थी। खबर के बाद पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने संज्ञान में लिया और पोल बदलने के काम को मंजूरी दे दी। इसके बाद पुराने बिजली पोल को हटाने का काम शुरू करा दिया गया है। लाइनमैन ने बताया कि 2 दिन के भीतर नए पोल लगा दिए जाएंगे। ईद पर्व के मद्देनजर प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के प्रबुद्ध जनों के साथ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की। मुस्लिम समुदाय को कोविड प्रोटोकॉल और शासन के गाइडलाइन की जानकारी देते हुए ईद पर्व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाने का फैसला किया गया। SDM आशुतोष गोस्वामी, CSP मनोज रत्नागर, नायब तहसीलदार अनुजैन, थाना प्रभारी DR जोगावत, शहर काजी, कांग्रेस नेता सुधाकर राव विपट, बाबू भाई, शंकर पटेल आदि मीटिंग में शामिल हुए। 21-22 को जो ईद का पर्व ईद उल जुहा बनने वाला है, उसमें किस प्रकार त्यौहार भी बने और उसके अलावा हम लोग कोरोना की गाइडलाइंस का भी पालन करें। जैसा कि विदित है कि कहीं पे भी सार्वजनिक स्थान पर बड़े लेवल पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हों किसी त्यौहार या किसी और कार्यक्रम में, ऐसा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, तो इस बारे में समझाइश दी गई है। और मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि लोग जो मुस्लिम समाज जन लोग हैं वो भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे, उनील और नागदर्श दोनों में, और यही हिदायत आज भी दी गई मीटिंग के माध्यम से।
और इसके अलावा जो संबंधित नगर परिषद है और बिजली विभाग है उनको भी इसमें उचित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। घटिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। त्योहारों को लेकर बुलाई बैठक में एसडीएम गोविंद दुबे और थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक ईद और अन्य त्योहार मनाने की समझाइश दी है। घटिया के सदर अब्दुल वहाब खान बल्लू भैया ने भी मुस्लिम समाज से ईद का पर्व घर में ही मनाने की अपील की है। इस मौके पर नजरपुर, जेठल, बिछड़ौद, कालूखेड़ी के लोग भी उपस्थित थे। देखिए, शासन की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके बारे में सभी लोगों को, सभी धर्म संप्रदाय के गुरुओं को और पत्रकार बंधुओं को जो है इस बारे में अवगत कराया गया है कि किस तरीके से आगामी त्योहारों को मनाया जाना है। रूल ऑफ सिक्स के बारे में बताया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया है, ईद और सावन की सवारियों के लिए जो भी निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में अवगत कराया गया है और लोगों से उम्मीद की गई है कि इस चीज़ का जो है व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करें और कोरोना की गाइडलाइन का जो है प्रॉपर तरीके से पालन हो सके। तो मेरी सभी लोगों से इसी गुजारिश रहेगी कि जिस प्रकार से हमने शासन प्रशासन के सारे नियमों का पालन करते हुए पिछली 3 बार से ईदें मनाई है, अपने घरों पर ही हमने नमाज अदा करी है, मेरी पुनः सब लोगों से इसी गुजारिश रहेगी कि हमको ईद की नमाज अपने घरों पर ही अदा करना है। जिस प्रकार से प्रशासन ने हमको गाइडलाइन दी है 5 लोगों को ईदगाह या मस्जिद में नमाज पढ़ना है, तो वही 5 लोग ईदगाह हो या मस्जिद में अपनी नमाज अदा करें। विधानसभा की शासकीय समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा का वाहन कन्नौद के पास गाय को बचाने में पलटी खा गया। वाहन में विधायक देवेंद्र वर्मा, पीए गिरिराज सेंगर और सुरक्षा गार्ड थे। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट आई है। दुर्घटना के बाद विधायक भोपाल जाने के बजाय अन्य वाहन से खंडवा रवाना हो गए। सोमवार को कोविड वैक्सीनेशन ऑनलाइन बुकिंग से किया गया। ऑनलाइन की जानकारी नहीं होने के कारण सेंटरों के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए, जहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। वैक्सीन की मारामारी के कारण लोगों को घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। चिमनबाई स्कूल में सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली है। दरअसल टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर स्लॉट खोले गए हैं। कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन फ्री स्लॉट बुकिंग के माध्यम से ही वैक्सीन लगाई जा रही है। शाम 4 बजे के बाद बच्चे डोज का आकलन कर वैक्सीन लगाई गई। ग्रामीण क्षेत्र में ऑन साइट पंजीयन अनुसार वैक्सीन लगाई जा रही है। 9 से 11 स्लॉट के हिसाब से 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 और 3 से 5 का समय दिया गया है। ये बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी है। टाइम सिलेक्शन हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सा समय लेना है। ठीक है, अभी पूरे देवास में कोविशील्ड लग रहा है, बुकिंग करने के बाद ही वैक्सीन लगेगा। अगर बुकिंग के अंदर जितने लोग बुकिंग कर रहे हैं अगर वो लोग नहीं आते, सपोज 10 लोग नहीं आते, 12 लोग नहीं आते हैं, और 4 बजे बाद अगर हमारे पास 10 से 12 लोग अवेलेबल होते हैं और बचा हुआ डोज अवेलेबल होता है, तो हम टोकन सिस्टम बांट के उनको वैक्सीन लगाएंगे। यात्री प्रतीक्षालय में आग लगाने की घटना के बाद विधायक विपिन वानखेड़े द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग करने का विरोध भाजपा के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार रहे मनोज बंटी उंटवाल ने किया। आगर मालवा आए बंटी उंटवाल ने कहा कि यात्री प्रतीक्षालय में आग लगने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन विधायक का आरोप लगाना बेबुनियाद है। वो भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गुंडा कह रहे हैं, ये सरासर गलत है। भाजपा कार्यकर्ता कभी भी समाज को दुख नहीं देते हैं। देखिए, शुक्रवार की रात में यात्री प्रतीक्षालय में जो आग लगने की घटना सामने आई है वो वास्तव में निंदनीय है। ये हमारे राष्ट्र की संपत्ति, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि इसकी वास्तविक जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है कि खुद ही आग लगाती है और खुद ही आग बुझाने का बहाना करती है और जनता के बीच में अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। हाँ, एक बार अपने विधायक जो दूसरों को कह रहे हैं गुंडा, ये इंदौर से आए हुए हैं, जो कह रहे हैं अपनी बाहें चढ़ाकर बोल रहे हैं कि दो दो हाथ कर लो, ये आगर की जनता बताएगी कि अब गुंडा कौन है। भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी ने आगरमालवा विश्राम गृह में पौधारोपण किया। पौधारोपण मनोहर उंटवाल की स्मृति में किया गया। विश्राम गृह में 12 पौधे रोपे गए और इन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर दिवंगत विधायक मनोहर उंटवाल के पुत्र बंटी उंटवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हमारे जो नेता जो थे मनोहर उंटवाल जी, उनकी जो हम जन्म शताब्दी, आज हमारे हम सब भारतीय जनता पार्टी जिला आगर की तरफ से, हमारे सभी मंडल की तरफ से
हमारे सभी कार्यकर्ता उनके सुखों को बनते ही भाई हम सब मिलके आज जो उनकी जन्म शताब्दी जो मना रहे हैं उनमें हमने वृक्षारोपण जो करा है। हम चाहें कि हमारे जो नेता जो मनोहर ऊंटवाल जी थे उनकी प्रेरणा लेके हम सब भारतीय जनता पार्टी जिला आगर जिले में हम सब आगे भी काम करेंगे इसी बात के ऊपर। कोविड से बचाव के लिए मंगलवार को भी वैक्सीन प्री बुकिंग से लगाई जाएगी। आम आदमी को सुविधा देने के लिए प्री बुकिंग के स्लॉट की संख्या बढ़ाई जा रही है। स्लॉट कोविन और आरोग्य सेतु के माध्यम से बुक किया जा सकता है। कोवैक्सीन का सेकेंड डोज मंगलवार को 4 सेंटरों पर लगेगा। इसके लिए प्री बुकिंग की आवश्यकता नहीं होगी। उपायुक्त कल्याणी पांडे ने बताया कि कोवैक्सीन का सेकेंड डोज ऑन स्पॉट बुकिंग से लगाया जाएगा। सर्वधर्म समाज सेवक पुरुषोत्तम विजयवर्गीय ने कहा कि शास्त्र और संविधान एक ही सिक्के के दो पहलू है। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को सुधारने की जरूरत है। माँ भगवती सीता माँ को भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कितना भारी पड़ा था, इसी तरह शास्त्र और संविधान से ही भारत देश चल रहा है। ईद उल अजहा पर ईदगाह पर केवल 5 लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे, बाकी लोग घर पर नमाज पढ़ेंगे। प्रभारी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और शहर काजी खलीक उरहमान की उपस्थिति में ये फैसला लिया गया है। सूर्यवंशी ने बताया कि धारा 144 लागू होने से ईदगाह पर ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। अनियमितता मिलने पर महितपुर क्षेत्र के 3 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। अश्विनी मेडिकल स्टोर, अपना मेडिकल स्टोर, जैन मेडिकल स्टोर झाड़ला का लाइसेंस निरस्त किया गया है। तीनों के संचालकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।